किसी ने एक सवाल किया, हमारे घर के सब लोग मतलब अम्मी और हम और हमारे बहन भाई सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे वालिद बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते और वो तंबाकू भी खाते हैं और दिन से भी दिलचस्पी नहीं है और उन्हें कोई दीन की बात समझाए तो नहीं समझते। हम उनके लिए दुआ भी करते हैं लेकिन वो फ़र्क नहीं होता, आप बताइए हम क्या करें। देखिए मैं भी यही कहूँगा, दुआ के अलावा तो आपके पास और कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं। मातहत लोग जो होते हैं उनकी इसलाह बड़ों की अलग होती है, जिम्मेदार अपने मातहत लोगों की इसलाह अलग करते हैं। जैसे आप बॉस हैं, सबॉर्डिनेट को तो आप हुक्म दे सकते हैं ये करो कल से मेरे को नमाज को ऑफिस बंद होना सब बाहर, वो मजबूरन जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है आपके बॉस को तो आप ये नहीं बोल सकते बॉस कल से तुम नमाज को जाएंगे तो मन कर दूंगा तुमको, नहीं। तो आपके वालिद बड़े हैं आप छोटे हैं, तो आप जाहिर सी बात हुक्म नहीं दे सकते, वो आपको हुक्म दे सकते हैं। तो लिहाजा आप दुआ कर सकते हैं। एक दूसरा, आप ऐसा कुछ करें जिससे वालिद को दिलचस्पी पैदा हो दीन में। कोई मौका महल तलाश कीजिए, कोई जरिया तलाश कीजिए, कोई तकरीर तलाश कीजिए, कोई मुखर तलाश कीजिए, कुछ ना कुछ जो उनको थोड़ा सा एक स्पार्क दे दे, ठीक है। और कभी भी उनको कंटिन्यूसली ये महसूस मत कराइए कि आप दीनदार नहीं है, आप दीन से दिलचस्पी नहीं रखते, आप फलाएँ, हमारे अब्बा तो ऐसा है, हमारे शौहर तो ऐसा, मत कीजिए। ये कहिए कि कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए, ताकि उनको भी लगे कि ये लोग पॉजिटिव हैं उनके बारे में, मतलब बच्चे और बीवी वगैरह रिश्ता। तो लिहाजा उनके लिए दुआ कीजिए, मौका तलाश कीजिए और कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता तलाश कीजिए दुआ के साथ जो उनके अंदर दिलचस्पी पैदा कर दे। चूँकि एक इंसान अगर ज़माने तक दीन से दूर रहना, मैं जानता हूँ उसकी दिलचस्पी दीन से ख़त्म हो जाती है, अल्लाह रहम करे। और ख़ास तौर से सोहबत अगर दीनदार ना होना फिर तो दिलचस्पी पैदा ही नहीं हो सकती इंसान। तो लिहाजा कुछ करें, सोहबत बदले, दोस्त बदले, दोस्ताना बदले, रिश्तेदारी बदले, कोई स्पीकर, कोई मुकर्रर की कोई ऐसी चीज़, कोई बात, कोई किताबचा फिलहाल तलाश करें दुआ के साथ साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर कामना करेंगे। चूँकि हर इंसान की फितरत मिजाज अलग होना, हालात अलग होते हैं, तो मैं सबके लिए कोई जवाब तो नहीं दे सकता हूँ। जनरल मैंने कह दिया कुछ जरियों से उनको दिलचस्पी पैदा करने की आप कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।